So guys, welcome back to my channel. कैसे आप लोग? I hope everything is good and fine. And I am back with another new recipe chicken tikka roll के साथ. तो दिल थाम के बैठिए, वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि हर एक पल कीमती है. और आज लास्ट टाइम मैंने बनाया था चिकन टिक्का, कैसे आप लोग घर पे बना सकते हो मैंने दिखाया था. जो जो अभी तक वीडियो नहीं देखा, आई बटन पे लिंक दे दिया मैंने, देख लेना. तो वही मैंने सोचा कि चिकन टिक्का से कुछ और कुछ बनाया जाए, तो चिकन टिक्का रोल बनाएंगे. तो चिकन टिक्का रोल कैसे बनाते हैं वीडियो में देखेंगे. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा. बाकी खाओ पियो मौज करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो. ऐसे ही और भी टेस्टी टेस्टी वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. और पास में एक बेल वाला आइकॉन है, उसको जरूर प्रेस करना, क्योंकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा. तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करते हुए शुरू करेंगे आज का वीडियो चिकन टिक्का रोल. सो गाइज, रोल बनाने के लिए चाहिए हमें रोल का पराठा. तो उसको बनाने के लिए हमने एक लच्छा का डो लिया है और उसकी इस तरह से बेल लेंगे. तो लच्छा का डो कैसे बनाता है वो अगर देखना है तो मैं पिछला एक वीडियो बनाया था रोल का, मलाई टिक्का रोल का, उसमें आई बटन पे लिंक दे ही दूंगा. जो जो अभी तक देखा नहीं है जाके देख लो. तो रोल को ऐसे, मतलब रोटी को ऐसे बेलने के बाद इसको करेंगे तावा में थोड़ा सा गर्म, दोनों साइड से अच्छी तरह से गर्म करने के बाद उसके ऊपर लगा लेंगे बटर. तो अभी दूसरी साइड भी बटर लगा लेंगे इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से हम लोग छेक लेंगे. तो जब ये हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इसको हम लोग निकाल लेंगे. आप लोग इसमें अंडा भी यूज़ कर सकते हो. तो अभी चिकन टिक्का काट लेंगे इस तरह से. चिकन टिक्का का रेसिपी में लिंक आई बटन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा. जो जो अभी तक देखा नहीं है जाओ, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है. तो चिकन को काटने के बाद एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर और ऑयल, दोनों मिक्स करके डाले हमने. तो उसके बाद इसमें डालेंगे स्लाइस किया हुआ ऑनियन और कैप्सिकम. करेंगे थोड़ी देर के लिए सौते. उसके अंदर डालेंगे देगी मिर्च स्वाद अनुसार, सॉल्ट, और करेंगे मिक्स और सौते. तो ये थोड़ी देर सौते होने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो चिकन हमने काट के रखा था, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे इसमें. चिकन का ऐड करने के बाद थोड़ा सौते करेंगे. तो गाइस सौते हो गया, अभी इसको निकाल लेंगे एक बॉल में. उसमें डालेंगे हम लोग जिंजर चॉप्ड, थोड़ा सा नींबू मतलब लेमन जूस, कोरिएंडर चॉप्ड, और डालेंगे ढेर सारा चाट मसाला, मतलब स्वाद अनुसार एक स्पून चाट मसाला बहुत है. तो उसके बाद डालेंगे मिंट मेयोनीज सॉस. तो मेयोनीज सॉस के साथ हमने मिंट सॉस को एक साथ मिला के मिंट मेयोनीज बनाया. तो इसमें डालेंगे और इसको करेंगे मिक्स. अभी लेंगे जो ब्रेड, जो मतलब पराठा हमने छेक के रखा था, उसको लेंगे, उसके ऊपर भी मिंट मेयोनीज सॉस इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे. और इसमें अभी डालेंगे हमने जो अभी चिकन टिक्का का जो मसाला बना के रखा था, मतलब जो फिलिंग बना के रखा था, उसको हम लोग इस तरह से एक साइड पे डाल लेंगे. सो गाइस, डालने के बाद अब इसको करेंगे हम लोग रोल, क्योंकि रोल है तो रोल तो करना ही पड़ेगा. तो गाइस, रोल करने के बाद इसको हम लोग ऐसे 1/2 में डिवाइड कर लेंगे. आपका मर्जी, अब डिवाइड मत करो, कोई दिक्कत नहीं है. तो अभी करेंगे प्लेटिंग. तो इस तरह से इसको प्लेटिंग कर लेंगे मीट मेयोनीज सॉस के साथ. तो रेडी हो गया हमारा चिकन टिक्का रोल. आपको रेसिपी कैसा लगा कमेंट पे बता के जाना, और आपका प्यारे प्यारे उंगली से सब्सक्राइब वाला बटन दबा के जाना. सो गाइस, रेडी हो गया हमारा चिकन टिक्का रोल. आपको रेसिपी कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना. अगर रेसिपी पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे उंगली से सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना.
तो चलिए फिर मिलते हैं और एक वीडियो में और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।